हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर लेक्चर। फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्लास टेंथ से थर्ड चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराऊंगा। ठीक है, देखिए। टू वीमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। दो औरतें और 5 आदमी मिल करके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में खत्म करती हैं। वाइल जबकि 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 डेज। जबकि 3 औरतें और 6 आदमी इसी काम को मिलके 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man alone। बताइए, एक आदमी अलग अकेला और एक औरत अकेली अगर काम करें तो इसको कितने दिन में खत्म कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, समझ में आया? मतलब अकेली औरत करे तो उसको कितने दिन लगेंगे, अकेला आदमी एक काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा जो पूछा जाता है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman। सबसे पहले उसने वीमेन का पूछा है, 1 woman को कितना टाइम लगे। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman बी एक्स डेज। मान लेते हैं उसे x डेज लगेगा क्योंकि दिनों में काम चल रहा है ना, डेज ये लिखे हैं तो डेज में ही यूनिट को मानेंगे। एंड दैट टेकन बाय 1 man alone बी y डेज। और हमने मान लिया एक आदमी जो अकेला करेगा तो y डेज में काम को करेगा, वीमेन भी अलोन है, यहाँ पे अलोन लिखना है। ठीक है, करेगा। अब देखिए, ये फ्रेंड्स वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम एक ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा रेसिप्रोकल टाइप में चलता है, यानी कि ये कभी भी जो ऐड नहीं, सीधा सीधा डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, इसको हमेशा रेसिप्रोकल में या ऐसा कह सकते हैं एक दिन का काम निकाल के जब ऐड करते हैं ऐसा कुछ होता है। क्यों? वर्क एंड टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। देखिए, आदमी ज़्यादा होंगे तो किसी काम को करने में टाइम कम लगेगा, आदमी कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं मैन और टाइम के बीच में एक इन्वर्सली का प्रोपोर्शन, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक कॉन्सेप्ट होता है इसीलिए। जैसे अब मैं आपको पूरे समझाता हूँ, मान लीजिए। अच्छा, सबसे पहले काम के बारे में बात करते हैं, वर्क के बारे में। काम हमेशा अपने आप में 100% होता है, या फ्रैक्शन में बोले तो 1 होता है। जैसे अगर मैं कुछ भी कहूँ आपसे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप ये तो कहेंगे मैं एक काम कर रहा हूँ। एक काम कर रहा हूँ मतलब चाहे कितना भी आप काम छोटा करिए, चाहे आपको एक पेज लिखना हो, चाहे आपको एक कॉपी लिखनी हो पूरी, आप यही तो कहेंगे मैं एक काम कर रहा हूँ। काम हमेशा अपने आप में 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए फ्रेंड्स कि एक इसका भी एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। मान लीजिए एक आदमी है जो 10 डेज में किसी एक काम को ख़त्म करता है। मैंने अभी क्या कहा आपसे, काम 1 होता है, अपने आप में 1 हो गया। 10 दिन में एक काम को ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, सीधी सी बात है, 10 नीचे आ जाएगा, 1/10 काम ही तो करेगा। मान लो 10 दिन में अगर 10 पेज लिख रहा है तो एक दिन में कितना लिखेगा, 1 पेज लिखेगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको मैं यहां से समझाता हूं। देखिए, जो वीमेन है ये रही, वो एक्स डेज में एक काम को खत्म कर रही है। मैंने लिया है कि एक्स डेज लग रहा है उसको किसी काम को खत्म करने में, किसी काम को क्या, इसको एम्ब्रॉयडरी वर्क को खत्म करने में उसे एक्स डेज लग रहे हैं। तो यानी कि वो एक्स डेज में एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है। समझना पहले कॉन्सेप्ट को, भी इक्वेशन बाद में बनवाऊंगा। तो एक दिन में कितना एम्ब्रॉयडरी वर्क कर लेगी, 1/x कर लेगी। अगर वो आदमी वाई डेज में, ये रहा वाई डेज में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 1/y काम कर लेगा। सही है। अब दूसरा यहां से आ जाइए, वो जो मिल करके काम कर रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, मिल करके 4 दिन में काम कर रहे हैं, कौन, 2 women और 5 men मिल करके टुगेदर 4 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/4 ही तो करेंगे भाई। 4 दिन में 4 days में अगर एक काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 करेंगे मिल करके। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए बस, अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कैसे क्या था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा कि
कि एक औरत अगर एक्स डेज में पूरा काम कर रही है तो एक दिन में वन वीमेन्स वन डेज वर्क वर अपॉन एक्स, इसे अभी हटा दीजिए। एक औरत का एक दिन का काम, वन वीमेन्स वन डेज वर्क कितना होगा, वन अपॉन एक्स। अभी बताया एक दिन में कितना करेगी, वन मेन्स वन डेज, ये लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है तभी समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, वन अपॉन वाई। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट दो लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी। एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, वन अपॉन वाई, क्योंकि आदमी पूरा वाई दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में वन अपॉन वाई वर्क करेगा। अभी आपको यूनिटरी मेथड से समझा दिया, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन के हिसाब से सीधी सीधी इक्वेशंस क्या बनेंगी। एक औरत एक दिन में अगर वन अपॉन एक्स काम कर रही है तो इधर आइए, दो वीमेन, तो दो औरतें एक दिन में कितना काम करें, एक ही दिन का निकालना खाली, एक एक दिन का कॉन्सेप्ट चलता है। एक औरत अगर वन अपॉन एक्स कर रही है तो दो औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, टू अपॉन एक्स, सही है। एक दिन में अगर एक आदमी वन अपॉन वाई काम कर रहा है तो एक दिन में पांच आदमी कितना काम करेंगे, प्लस फाइव अपॉन वाई, सही है, इज इक्वल्स टू, अगर ये दोनों मिल करके, दोनों से मेरा मतलब है सात लोग मिल करके, पांच और दो सात मिल करके चार दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, वन अपॉन फोर। इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया था, वन अपॉन फोर आ गया। ये आदमियों, ये औरतों का एक दिन का काम, ये आदमियों का एक दिन का काम, दोनों कर तो एक ही दिन रहे ना, सेम डे ही तो कर रहे हैं, तो सारे सातों लोगों का मिल करके जो एक दिन का काम है वो एक दिन के काम के ही तो इक्वल लगा जाएगा, यानी कि वन अपॉन फोर के, एक दिन में वो इतना ही काम कर पाती हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एंड दूसरी यहां से देखिए, थ्री वीमेन, थ्री वीमेन का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन एक्स, क्योंकि एक औरत अगर वन अपॉन एक्स कर रही है तो तीन औरतें थ्री अपॉन एक्स। इधर से सिक्स मैन है, सिक्स अपॉन वाई, और ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री के इक्वल, क्योंकि मिलकर के तीन दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, यानी कि ये मैंने इक्वेशन बनाई है, लेकिन मैंने अभी कुछ मानूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि फालतू में मानना पड़ेगा, अभी ये रिड्यूसिबल मेथड से होगा तो मैं वहीं पर बाद में लेट कर लूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबको पता है कि रिड्यूसिबल मेथड से होगा, क्यों, क्योंकि नीचे एक्स और वाई नीचे आ रहे हैं, रिड्यूसिबल मैंने मेथड पहले बता रखा है। कैसे सॉल्व करते हैं, वन अपॉन एक्स कॉमन है, वन अपॉन एक्स यहाँ भी कॉमन है, तो मैं वन अपॉन एक्स को तो ए मान लूंगा, वन अपॉन वाई है तो वन अपॉन वाई को बी मान लूंगा, ऐसे ही तो करते हैं रिड्यूसिबल को। चलिए, जब मैंने वन अपॉन एक्स को ए मान लिया तो ये वन अपॉन एक्स तो यहाँ पे ए हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। ठीक है, ये थ्री ए हो जाएगा, थ्री ए प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, यही तो हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन थ्री तो ऐसे ही रहेगा। अब मैं इन इक्वेशंस को रब कर देता हूँ, कोई काम की नहीं है। अब देखिए, आपने एलिमिनेशन से कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में मेथड तो बोला नहीं जाता कि आप इस मेथड से करें, आपकी इच्छा है, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, जिससे भी चाहो। ठीक है, चलिए मैं इन दोनों को सेम कर लूँ पहले, इन दोनों को। ठीक, तो कैसे हो जाएगी, इसमें तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्री का और इसमें टू का, थ्री नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई, टू ऊपर है तो नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, थ्री का किया तो कितना आया, सिक्स ए, थ्री का यहाँ किया तो फिफ्टीन का बी, और थ्री अपॉन फोर, टू का इसमें किया तो सिक्स ए प्लस यहाँ किया टू का ट्वेल्व बी, और यहाँ किया तो टू अपॉन थ्री, इधर ही किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माइनस 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 ये हमने कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का, फिफ्टीन में से ट्वेल्व गया तो थ्री बी। अच्छा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि हाँ, थ्री अपॉन फोर माइनस टू अपॉन थ्री क्या होता है, ट्वेल्व, थ्री थ्री जार नाइन, फोर टू जार एट, वन अपॉन ट्वेल्व होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बी, ये थ्री बी है, थ्री नीचे चला जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन थर्टी सिक्स, बी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन थर्टी सिक्स। लेकिन मेरा टारगेट ए और बी निकालना नहीं है, मेरा टारगेट तो एक्स और वाई निकालना है, क्योंकि मेरी इक्वेशन एक्स और वाई में चल रही थी, लेकिन पहले बी निकाला है, अभी ए निकालो पहले। अच्छा, उसके लिए मुझे इन इक्वेशंस को कुछ मानना पड़ेगा, मैंने इक्वेशन मान ली वन और टू, ठीक है, जो मैंने पहले नहीं मानी थी। इस बी की वैल्यू वन अपॉन थर्टी सिक्स को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए सेकंड में, पुट
बी इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन टू, सेकेंड वाली में रख दीजिए फ्रेंड, यहाँ पे 3a प्लस 6 इंटू 1/36 इज इक्वल टू, यहाँ रखा है मैंने ठीक है 1/3, तो देखिए 6a कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, उधर जाएगा 3a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, क्यों, क्योंकि यहाँ से 1/6 बचा, उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो माइनस का ही बचेगा। अब सॉल्व करेंगे, इन्हें सॉल्व करके आपको मैं बता दूं तो 6 यानी कि 1/6 आएगा, सही है, सॉल्व कर लीजिएगा आप एलसीएम लेके, 1/6 आएगा, 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा ट्रांसपोज होगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/18, क्यों, 3 6 क्या होता है 18 होता है, ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया, यानी कि मैंने a और b की जो वैल्यूज थी वो फाइंड कर ली एक तरीके से। अब देखिए बस 2 मिनट और इसे मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको क्या हुआ है। अब हमने जो लेट किया था, क्या लेट किया था, हमने माना था 1/x को, तो हमने a माना था, याद है आपको पीछे भी 1/x को a कितना आया है 1/18, एंड 1/y को क्या माना था, b माना था, 1/y को b क्या आया है 1/36 आया है। अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x तो आ गया 18 और y यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 36, लेकिन आप ऐसे आंसर को लिख के मत आइएगा, पूरा बता के आइएगा कि टाइम टेकन बाय वन वीमेन इज इक्वल्स टू 18 डेज, पूरा लिख के आइएगा, क्योंकि x का हमने क्या माना था, हमने x डेज किसके लिए माना था, वीमेन के लिए, यानी कि एक औरत पूरे काम को करने के लिए कितने दिन लेगी, 18 डेज, और आप लिखेंगे यहाँ टाइम टेकन बाय वन मैन, और एक आदमी के लिए हमने y डेज माने थे, y कितना आ रहा है हमारे पास निकल के 36, यानी कि 36 डेज, इसे पूरा ऐसे ब्रैकेट में आप बंद करके क्लोज करके आएंगे तो आपको यहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट, ऐसे हम निकालते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल को हिट करना ना भूलें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में एक अपने पेज की लिंक छोड़ दूंगा, आप मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।